कॉमन न्यूज सदैव सर्वांच्या सोबत। कॉमन न्यूजच्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आताच आमचे कॉमन न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि रहा आमच्या सोबत। 20 तास लोटले अंत्यविधी नाही, पोलीस स्टेशन समोर पेटवून घेतलेल्या तरुणाचा मृत्यू। श्रीरामपूर तालुक्यातील दत्तनगरी येथील विवाहित तरुणाचा काल दुपारच्या सुमारास लोणी येथील रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याने परिसरात शोककळा पसरली असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे। रमजान ईदच्या दिवशी तालुक्यातील दत्तनगरी येथील नदीम पठाण या विवाहित तरुणाने पोलीस चौकीसमोर अंगावर पेट्रोल ओतून स्वतःला पेटवून घेतले होते। त्यात तो गंभीर भाजला होता। त्यांच्यावर 3 दिवसांपासून उपचार चालू होते। संध्याकाळच्या सुमारास नदीमची प्राणज्योत मालवली। मिळालेल्या माहितीनुसार दुपारच्या सुमारास मयत झालेल्या नदीम पठाणचा आज दुपारपर्यंत अंत्यविधी करण्यात आलेला नव्हता। पोलिसांशी संबंधित नाजूक प्रकरणातून त्या आत्महत्या केल्याचे बोलले जात आहे। या प्रकरणात पोलिसांची भूमिका काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे। नदीमच्या कुटुंबाने मात्र आक्रमक पवित्रा घेतला असून नदीमचा श्वास थांबला पण पोलीस तपास थांबू नका। या प्रकरणात दोषी पोलिसाविरुद्ध गुन्हा नोंदवून कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे। तो ये कब से क्या सिर्फ एक ही बार बोला था? एक साल से चालू था ये? तो तुमने कभी कुछ अपना कंप्लेंट वगैरह नहीं करे उनकी? बोलो जहर कब पिया था उन्हें? वो भी दूधड़े के अपना पुलिस कॉन्स्टेबल की वजह से पिया था। जब भी अपना जब ये जो श्रीरामपुर पिया इन्होंने केस नहीं लिए थे आपकी? आप गए थे वहाँ पे? तो आपने दवा खाने में ले गए थे? दवा खाने की रिपोर्ट वगैरह है? वो सब दवा खाने में काम कर रहा हूँ। उसकी रिपोर्ट है आपकी? वो जो पॉइजन लिया था आप नदीम भाई की कौन है और ये बच्चा कौन है? ये मासूम ये तो ये उनका लगा। आप कौन है? आप उनकी खाला है। तो तुमने भी देखे थे क्या वो एक साल से तकलीफ देता करके बोलने का वो? लेकिन क्यों वो तकलीफ? मतलब दोनों की दुश्मनी कैसी थी? क्या क्या वो क्या बीवी के साथ में है वो? क्या मतलब बीवी के साथ में? क्या दो दाड़े साहब आप फिर उनका ये देखने का मतलब प्रशासन इतना गिर गया क्या उनकी उनकी बीवी के साथ में लफड़ा करा था ऐसी अपना बोलना है? लफड़ा था ये जाने का आने का वो बोलने की उसकी सास उसकी माँ वो ऐसा बोलने की। तो उसकी बीवी तो बाहर की होंगी ना? उसकी बीवी तो यहाँ नहीं उसकी बीवी बाहर बाहर है। क्या वो बात आता है सही दर्द नहीं है तो ये मामला अनैतिक प्रकार की वजह से इतना बड़ा कदम उठा है ऐसा आपका बोलना है? तो वो तकलीफ देने का वो जो तो इसकी कुछ आला है ऐसा उसकी कुछ आपके पास क्लिप वगैरह है क्या? कही क्या दोनों की बातचीत हुई नदीम की पुलिस वाली है आपके पास? क्लिप भी है तो वीडियो शूटिंग है। वो जो करने से पहले उन्हें जब पुलिस को ये दोस्तों को पता है पैसे ऐसी टॉर्चर करते ऐसा करते मैं मेरे जान का कुछ भी करने वाला है पुलिस वाले जब्त करे तो पुलिस क्या के श्रीरामपुर के दत्तनगर दत्तनगर के पुलिस चौकी के अंदर कौन से दिन करे उन्होंने मोबाइल? उन्होंने फोन वो पुलिस वाले थे मैंने बच्चा गिरा था ना उन्होंने पुलिस वालों ने फोन ले लिए ना फोन उठा के। तो आपका बोलना है वो टाइमिंग क्या था? वो टाइमिंग 8:30 मतलब 8:30 से 3:30 पर तक जो भी पुलिस वाले वहाँ थे तो उनको सस्पेंड होने मांगता उन्होंने जो है तो सबूत मिटाने की कोशिश करी। आपका बोलना है मोबाइल में कुछ सबूत दे आपका बोलना है ऐसा और उन्होंने ये करे देखा वहाँ इतना पूरा के लिए आना तो भाग्य गया वहाँ से। दरमियान आज लहू कानडे उपनगर अध्यक्ष करण ससाने ज्ञानेश्वर मुरकुटे सचिन गुजर शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अहमद जहागीरदार माजी जिल्हा परिषदेचे सदस्य बाबासाहेब दिगे राहुरी नगरपालिकेचे माजी उपनगर अध्यक्ष इस्माईल सय्यद RPIचे जिल्हाध्यक्ष भीमराज बागुल सरपंच सुनील शिरसाट चांदेव ढोकचोळे माजी उपसरपंच नानासाहेब शिंदे पोलीस पाटील सुनील गायकवाड कृष्णा अभंग प्रेमचंद कुंकलोड समाजवादी पार्टीचे जोयपट इनामदार RPIचे राजाभाऊ कापसे मयत नदीम पठाणच्या घरी भेट दिली असून
चौकशी करून तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. नातेवाईकींच्या म्हणण्यानुसार पोलीस कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हा दाखल करून निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. 20 तासाहून अधिक होऊनही मृतदेहाचा अंत्यविधी झाला असल्याने मृतदेहाची विटंबना झाली असून पोलीस प्रशासन त्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. कॉमन न्यूज मराठीसाठी प्रतिनिधी रौफ शाह, श्रीरामपूर.